प्याज के बढ़ते दामों को लेकर तो लोग परेशान हैं ही। इसी बीच पेट्रोल की कीमतों ने भी लंबी छलांग लगाई है। पेट्रोल के दाम एक साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। ऐसे में आम आदमी की जेब पर डबल मार पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 75 रुपये लीटर हो गया है और डीजल 66 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर बिकने लगा है। इससे पहले दिल्ली में 24 नवंबर 2018 को पेट्रोल 75 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 75 रुपये, कोलकाता में 77, मुंबई में 80 रुपये 65 पैसे और चेन्नई में 77 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली में डीजल 66 रुपये 4 पैसे, कोलकाता में 68 रुपये 45 पैसे, मुंबई में 69 रुपये 27 पैसे और चेन्नई में 69 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। खबरों के मुताबिक कच्चे तेल के दाम में बीते दिनों आई तेजी के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार 2 दिनों में पेट्रोल का दाम दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में 14 पैसे जबकि कोलकाता में 13 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है। दरअसल तेल उत्पादकों के मंच ओपेक के सदस्य देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला लिया है। यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।